और पटना में रविंद्र भवन में 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आज समापन हो गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के प्रसिद्ध पद्मश्री डॉक्टर खादर वाली ने बताया कि बिहार आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और बिहार में मिलेट्स की असीम संभावनाएं हैं, तो उन्होंने बिहार वासियों को संदेश दिया कि मिलेट्स ही ऐसी शक्ति है जिससे बिहार की स्वास्थ्य सुधर सकती है और गरीबी दूर हो सकती है। तो वहीं कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिंह ने बताया कि मिलेट्स महोत्सव अपने आप में एक ऐसा महोत्सव था जो बिहार के आम जनजीवन को सुधारने वाला है और बिहार को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई मिलेट्स अपनाता है तो उसे डॉक्टर और दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार में मिलेट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और पूरे देश में पद्मश्री मिलेट्स मैन के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री डॉक्टर खालिद वली सर यहां मौजूद हैं। सर, 3 दिन आपने बिहार में समय दिया, कैसा लगा, क्या कुछ जानकारी आपने दी? यह बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत प्रोत्साहन मिला है हमको कि मिलेट्स का अवेयरनेस हर जगह पर हम करने को उत्सुक है, क्योंकि मिलेट्स खाने से हमारा देश रोग मुक्त बनने का एक भरोसा है। सो इसीलिए हम ये अभियान को लेकर जा रहे हैं और बिहार गवर्नमेंट बहुत सारा प्रोत्साहन दे रहे हैं, बहुत सारा प्रोग्राम्स आयोजन करने में बहुत उत्सुक है। आने वाला दिनों में कृषि मंत्री अभी श्री मंगल पांडे जी भी ये आश्वासन करके गए हैं, तो आने वाला दिनों में बिहार में ये मिलेट्स का एक अभियान अच्छी तरह से होने का संभावना है। हाँ, वो मुझे बहुत खुशी हो रहा है इस बात लेकर। सर, कितनी संभावनाएं देखते हैं कि आने वाले समय में मिलेट्स के लिए बिहार कितनी बड़ी संभावनाओं को समेटे हुए? अभी मैं देख रहा हूँ हर पॉलिसी मेकर गवर्नर से रहकर और सचिव भी संजय अग्रवाल पांडे और इंक्लूडिंग नीतीश कुमार जी, हमारा श्री मान्य मुख्यमंत्री जी, ये सब लोग मिलेट के बारे में अच्छे बात कर रहे हैं। और वैसा भी हमारा स्वास्थ्य भी बहुत सारे लोगों को सही हो रहा है, सो हम आश्वासन ले रहे हैं लोगों का ये पार्टिसिपेशन से, तो बहुत बड़ा ये अभियान चल सकता है आने वाला दिनों में। एक अंतिम बिहार को संदेश क्या देना चाहेंगे मिलेट्स के बारे में? हाँ, आप सब मिलेट्स को अपनाइए, किसानों को हम अनुरोध करते हैं आप उगाइए, बहुत सारा डिमांड हो रहा है, बहुत सारा सिटीज़ में सारा लोग स्वास्थ्य के लिए तड़प रहे हैं, तो आपको ये दाना उगाने से आपको आर्थिक रूप में भी लाभ मिल सकता है। ये दावा करते हैं कि मिलेट्स खाने से दवा नहीं खाना पड़ेगा, रोग नहीं होगा। हाँ, डॉक्टर से दूर रख सकते हैं आप, डॉक्टर से दूर रख सकते हैं। देखिए, खादर वाली साहब ने साफ साफ कहा कि अगर मिलेट्स खाएंगे तो डॉक्टर से दूर रहना पड़ेगा, दवा नहीं खाना पड़ेगा, बीमारियों से आप दूर रहेंगे। और भी जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। पाउस तो देखिए, मिलेट्स का जो महोत्सव आयोजन किया गया था वो पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा के द्वारा ही आयोजन किया गया था। बिहार में ये पहली बार, बिहार ही नहीं बल्कि देश में पहली बार मिलेट्स आयोजन किया गया। सर, कैसा लगा 3 दिन आपने बिहार के बड़े जो एक धड़ा है उसको यहाँ पर बैठा के ट्रेनिंग दिया है, क्या कैसा लगा ये? बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, क्योंकि मेरी खादिर वली से ही ख्वाहिश भी थी, अनुरोध भी था कि 3 दिन कम से कम आप रहें, तभी जाके समाधान हो पाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, किसान हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, महिलाएं हैं, बाजार को नियंत्रण करने वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, सबको जब तक नहीं समझ में आएगा कि मिलेट का क्या फ़ायदा है, तो एक घंटे का लेक्चर देने से कुछ फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने कहा कि आप उसको उस हिसाब से करिए। अच्छा, आप तो खुद इसके भुक्तभोगी हैं, आपकी भी तबीयत खराब थी, किडनी डैमेज हो गया, मिलेट्स पर आए तो आपके जीवन में सुधार आया, स्वास्थ्य बना, तो बिहार को क्या संदेश देना? आप देख लीजिए, 112.5 किलो वजन मेरा था, अभी 78 किलो वजन है। इंसुलिन पे मैं रहता था, आज इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है,
ज़्यादा काम कर सकता हूँ, ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करता हूँ, और क्या चाहिए। चलिए तो देखिए, ये थे हमारे साथ आरके सिन्हा ने, साफ साफ कहा कि मिलेट्स महोत्सव समारोह बहुत अच्छा हुआ और मिलेट्स अगर कोई यूज़ करता है दैनिक जीवन में तो दवाओं से और डॉक्टर से दूर रह सकता है। पटना से सागर कुमार की रिपोर्ट।